मस्त है ना यार। पूरा बर्फ गुड मॉर्निंग टुडे इज 17 मई एंड टुडे वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम दिस होटल एंड वी आर रिटर्निंग टू श्रीनगर। मेरा सामने रूम से व्यू है, ये कल भी आप लोगों को दिखाया। श्रीनगर से सोनमार्ग 89 किलोमीटर के जैसा है, लेकिन कोई हिल बड़ा हिल नहीं है, इसलिए आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कंफर्टेबली हम लोग आए, लेकिन हमारा वो प्राइवेट कार था, कोई शेयरिंग नहीं था। शेयरिंग में आएंगे तो आपको कंगन में कार चेंज पर करना पड़ेगा, ये मुश्किल है फैमिली के साथ। अब अकेला है तो एक बात है, इसलिए कार लिया। आज भी कार से ही लेके जाएंगे, तो बीच बीच में रुक के भी कोई भी जगह एक्सप्लोर फोटो कर सकते हैं। ऐसा वाला फ्री स्पेस आपको सिर्फ गवर्नमेंट एकोमोडेशन में मिलेगा। यहाँ पे भी है, हम लोग बाहर से ब्रेकफास्ट लेके आ गया। यहाँ पे ब्रेकफास्ट है लेकिन पूरी सब्जी नहीं है, तो पूरी सब्जी लेके आ गया। नीचे है बाजार और ऊपर है हमारा कॉटेज। यहाँ पे भी एक सिटिंग अरेंजमेंट है रूम का साथ में, और यहाँ पे चाय का मजा। ये सामने हॉर्स, ये फिर आज लेके जाएगा शायद बर्फ देखने। यहाँ पे गोरो वगैरह रखते हैं, खूबसूरत है पेड़। नीचे पूरा सोनमार्ग, सोनमार्ग का कोई यहाँ पे कोई आबादी नहीं रहता मेरा सारा। यहाँ पे सिर्फ होटल है, छोटा सा मार्केट है, और सीज़न अभी टाइम ही है क्योंकि बर्फ जब गिरते हैं तब भी ये होटल वगैरह खुला रहता है यहाँ पे, लेकिन श्रीनगर से यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा मुश्किल है, रिस्की है। तब गाड़ी में चेन लगा हुआ होता है, जिस गाड़ी में चेन लगा हुआ होता है उसी गाड़ी को यहाँ तक आने का परमिशन मिलता है, तो मतलब 2-3 बार गाड़ी चेंज करना पड़ता है। तो सुना तो बहुत कम लोग आता है, लेकिन अभी समर टाइम में तो बहुत है, ज़्यादातर लोग चले जाते हैं मैंने सुना, और कभी कुछ लोग भी रुक जाते हैं, बहुत लोग रुकते हैं। नहीं तो इतना एकोमोडेशन बन रहा है नया, डिमांड है इसलिए तो बन रहा है। यहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत है। हंसी वादिया, ये खूबसूरत पल यहाँ का मिस करेंगे हमेशा। कोशिश करेंगे और एक बार ज़रूर आए। लेह लद्दाख का प्लान भी है, देखते हैं कब वो प्लान हम एग्जीक्यूट कर पाए। आई वॉन्ट टू स्टे कपल ऑफ डेज मोर टू सी द ब्यूटिफुल नेचर एंड वेदर, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जाना ही पड़ेगा ये ब्यूटीफुल वादी को छोड़कर। और अभी हम लोग ऑलरेडी निकल भी चुके हैं श्रीनगर के लिए। रात को हमारा घरवाली को थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था बीच रात में, हमारे साथ भी दवाई था लेकिन फिर भी
थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ लेकिन बाद में ठीक हो गया था, शुक्र है अल्लाह से। और यहाँ पे सोनमार्ग में सिर्फ आर्मी का जो हॉस्पिटल है वही ऑप्शन है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो आपको श्रीनगर में जाना ही पड़ेगा। और देखिए ये खूबसूरत वादी, यहाँ पे बहुत आर्मी है, आप तो जानते हैं कश्मीर में हर टाइम अलर्ट रहना पड़ता है, तो उसी वजह से हम टूरिस्ट को भी और आम लोगों को भी सुरक्षा देने के लिए। ये रास्ते के पास में है खूबसूरत ग्लेशियर का पानी आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा रुका, खूबसूरत बहुत इसी तरह बहुत सारे स्पॉट हैं, मैं आपको फोटो खींचते हैं यहाँ पे मजबूत कर देगा। कल हम लोगों ने जो गोरा लिया था, 3 गोरा लिया था हम लोगों ने, और हमारा साथ जो बंदा था वो तो बहुत ही अच्छा था, जो बुज़ुर्ग था, हमने भी ब्लॉग में भी दिखाया था। तो दूसरा उनके साथ जो बंदा था जो है नौजवान लोगों के अंदर अभी भी थोड़ा बहुत चीटिंग का वो चूल है, तो उन लोगों ने क्या किया, हम लोगों को फर्स्ट फेस में छोड़ना चाहता था। फर्स्ट फेस से सेकेंड फेस जो बर्फ़ का वो काफ़ी दूर है, तो फर्स्ट स्पेस में छोड़कर सेकंड स्पेस पर जाने के लिए हमें कोई ना कोई गुरा या एक सहारा लेना पड़ेगा, तो इसके लिए वो दूसरे से शायद थोड़ा बहुत कमीशन लेगा, इसीलिए हम लोगों को फर्स्ट स्पेस में छोड़ना चाहता था, लेकिन हमारा जो बंदा था उन्होंने बोला नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, तो इसलिए हो गया था। कब से ना मस्जिद ढूंढना था, मस्जिद तो बहुत है लेकिन टाइमिंग के साथ मिलते मिलते अभी पढ़ना पड़ेगा तो यहीं पे रुक जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे नमाज अदा हो चुका है, कंगन से थोड़ा आगे हम लोग यहाँ पे लंच कर रहे हैं और सामने है खूबसूरत व्यू। हमारा घोड़े वाला बंदा जो था उनका नाम है मोहम्मद मुंशी कसरा, उनको हमने टिप्स भी दिया और उनके साथ जो था उन लोगों का इरादा ठीक नहीं था क्योंकि वो लोग चीटिंग करने का इरादा रखता था, तो इसलिए उन लोगों को देने का मन भी नहीं किया और दिया भी नहीं। और उनका जो मालिक मतलब गोरा का जो मालिक वो भी बोल रहा था कि उनको पैसा देने के लिए थोड़ा टिप्स, हमने बोला उनको पैसा ऑलरेडी टिप्स ऑलरेडी हमने दे दिया, और हमने बोला कि जो लोग काम करते हैं मेहनत करते हैं हम लोगों को भी दिखते हैं कि ये मेहनत कर रहा है कस कर रहा है उनका फैमिली के लिए, तो हमारा भी उनके लिए दिल में जगह है, तो पहले से ही दे दिया टिप्स। और जो चीटिंग करते हैं उन लोगों को तो एक पैसा भी देने का मन नहीं करता और दिया भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ये टूरिस्ट स्पॉट में ऐसा बहुत थोड़ा बहुत चलता ही है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, मेन बात यही है। तो आपको रूट जाने में काफ़ी अच्छा लगेगा, ये सब वादियाँ साइड में बर्फ़ पहाड़ ये सब देखते देखते, और मौसम भी बहुत ही निराला है, ना गर्म ना ठंडा। कंगन से थोड़ा आगे फिर रुकना पड़ा यहाँ पे व्यू को थोड़ा एंजॉय करने के लिए, तो खाना पीने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया हम यहाँ पे भी, तो फिर अभी जर्नी स्टार्ट हो गया श्रीनगर के लिए। श्रीनगर ज़्यादा दूर नहीं रहा, नज़दीक में ही है, तो चलते हैं आगे। तो काफ़ी अच्छा लगा बीच में रुक के भी क्योंकि यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, हम लोग अगर ऐसा नज़ारा मिलेंगे सोचा नहीं था, नहीं तो हम इसी साइड में ही थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लेता, लेकिन उधर भी जल्दी जाके नेचर गार्डन वगैरह देखने का प्लान है, इसी वजह से हम लोग छोड़ के आ गया। और ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने वाले हैं श्रीनगर,
और श्रीनगर पे थोड़ा रेस्ट करके होटल में जाके, होटल भी हमारा पहले वाला जगह पे ही है। ये ऊपर का जो है वो शायद दरगाह है, या नहीं तो हम लोगों ने जो डाल लेक से देखा तो वही जगह है। हम लोग का होटल तो सेंट्रल मार्केट एरिया में है और अभी कोई भी एक पार्क में जाएंगे और देखते हैं थोड़ा सा नज़दीक वाला कोई भी पार्क में हम जाएंगे। अभी के साथ आके टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है और इसलिए अभी 7 बजने वाला है तो सब पार्क बंद हो जाता है। ये पोलो ग्राउंड पार्क ही ओपन है तो बच्चों को थोड़ा यहाँ पे घुमाएंगे तो इसलिए यहाँ पर आ गए। काफ़ी खूबसूरत है वैसे, ये चिल्ड्रन पार्क है। इसी गार्डन में भी बहुत खूबसूरत फूल है डिफरेंट डिफरेंट तरह और वाकई बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग है। नुकेल लोग तो रोज़ ही एंजॉय करता होगा लेकिन हम लोग कोई पार्क में नहीं जा पाए, बंद है इसीलिए यहाँ पे ही आना पड़ा। लेकिन आके भी बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा, हम लोगों को भी अच्छा लगा। पिक्चर बहुत अच्छा आता है, ग्रीनरी माउंटेन सब एक साथ, तो यहाँ पे आके भी ख़राब तो नहीं लगा, अच्छा लगा। लेकिन निषाद गार्डन, मुगल गार्डन, ये सब जगह पर जाने में भी और भी अच्छा लगता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, जो है वही है। आपका नसीब में इस बार नहीं है तो नेक्स्ट बार। लाल चौक का आगे और टैक्सी स्टैंड का पास में है मार्केट, वो सस्ते मिलता है लेकिन आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। पीछे है क्लॉक टावर और ये है हार्ट ऑफ द कैपिटल। यहाँ पे टूरिस्ट ही ज़्यादा है और हम लोग भी यहाँ पे आए थे शॉपिंग करने तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। होटल में हमारा डिनर कम्प्लीट हो गया, चला जाएंगे होटल और कल लिखा जाएगा।